पिछले कई हफ्तों से हम प्रभु के वचन से रोमियो नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे। इस पुस्तक को रोमियो इसलिए कहा जाता है कि आज से 2000 साल पहले रोम में जो लोग थे उनके लिए ये पुस्तक लिखी गई थी, उनको उपदेश देने के लिए, और रोम के लोगों को रोमी कहा जाता है। और ये एक बहुत लंबा लेटर था जिसे अपन हिंदी में पत्री कहते हैं, इसलिए इस पुस्तक का नाम रोमियो की पत्री है। इसके पहले अध्याय का हमने अध्ययन किया था, दूसरे अध्याय का अध्ययन किया था, तीसरे अध्याय का किया था, पांचवें अध्याय का किया था, चौथे अध्याय को हम फिलहाल छोड़ रहे हैं क्योंकि उसमें वही कॉमन विषय है। आज मेरे साथ इसका छठवां अध्याय खोल लीजिए, रोमियो की पत्री उसका छठवां अध्याय। रोमियो की पत्री छठवें अध्याय के 12वें पद में हम एक पद पढ़ते हैं, वहां लिखा है, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। पिछले कई हफ्तों में हमने प्रभु के वचन से मनुष्य की सृष्टि, मनुष्य का पतन, पाप में गिरना, पाप की सजा, पाप से मुक्ति, इन सब बातों का अध्ययन किया था। हमने ये देखा था प्रभु के वचन से कि मनुष्य जन्म से ही पापी है और इस कारण वो जब अपने चारों तरफ देखता है तो हर जगह ईश्वर का हाथ दिखाई देता है। हर जगह जहाँ भी आप ईश्वर की सृष्टि को देख लीजिए वहाँ ईश्वर की महानता और ईश्वर कितने सर्वशक्तिमान है इस बात को हम देखते हैं, प्रभु कितने सर्वशक्तिमान है ये देखते हैं। लेकिन इन सब को जानने के बावजूद मनुष्य ने सर्वशक्तिमान प्रभु को सर्वशक्तिमान ना मानकर ईश्वर की सृष्टि के रूप में बदल दिया है। इस कारण इस पुस्तक के पहले अध्याय में हम देखते हैं कि मनुष्य ने जब प्रभु को जाना, जब ये समझ लिया कि प्रभु सर्वशक्तिमान है, तो उस सर्वशक्तिमान प्रभु को प्रभु की सृष्टि के रूप में बदलने की कोशिश करता है, यह गलत है। और इस कारण प्रभु ने मनुष्य को उसकी बुद्धि पर, व्यर्थ बुद्धि पर, प्रभु के वचन में लिखा है व्यर्थ बुद्धि पर छोड़ दिया। और ये कारण है कि आज दुनिया में इतनी अधिक बुराई हम देखते हैं, हर जगह बुराई देखते हैं। लेकिन प्रभु का वचन ये भी याद दिलाता है कि प्रभु ये नहीं चाहते कि उनकी सृष्टि नाश हो, और इस कारण प्रभु ने प्रभु यीशु को इस संसार में इसलिए भेजा कि मेरे और आपके लिए अपना जीवन अर्पित करें या बलिदान करें। इसके बारे में हमने इसी पुस्तक के दूसरे अध्याय में देखा था कि जब मनुष्य को ये बात जब पता चलती है कि मैं पापी हूँ, तो अचानक हे प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर करुणा कीजिए, ये कहने के बदले एकदम से मनुष्य की टेंडेंसी, मनुष्य का झुकाव किस ओर जाता है, प्रभु इसको तो देखिए ये कितना भयानक पापी है, उसको देखिए वो घोर पापी है, इन लोगों की तुलना में मैं कुछ नहीं हूँ। प्रभु का वचन याद दिलाता है कि दूसरे की गलती, दूसरे के पाप या दूसरे के अधर्म को प्रभु के सामने रखने से हम धर्मी नहीं हो जाते, हम पवित्र नहीं हो जाते। प्रभु उसका हिसाब अलग करेंगे, मेरा हिसाब अलग करेंगे, प्रभु हर व्यक्ति का हिसाब निश्चित रूप से करेंगे। ये हमने दूसरे अध्याय में देखा था। तीसरे अध्याय में हमने ये देखा था कि जिसने भी पाप किया है वो अनंत नरक में जाएगा, जाना ही होगा। क्यों? इसलिए कि अपन हिंदी में कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब जो करेगा वैसा ही वो पाएगा, जो बोएंगे वही काटेंगे। गेहूं बोकर वहां से बेर थोड़ी काटे जाते हैं, गेहूं बोएंगे तो गेहूं काटेंगे।
उसी तरह से यदि हम प्रभु ने मुक्ति का रास्ता जब खोल दिया है, उस मुक्ति के रास्ते को प्रभु से स्वीकार करने के बदले यदि जीवन भर पाप के रास्ते में ही चलते रहे, तो उसका फल हम जैसा करेंगे वैसा ही होगा। हम अनंत नरक में अनंत मृत्यु की ओर जाएंगे। लेकिन तीसरे अध्याय से जब हम इन बातों का अध्ययन कर रहे थे, तब उसी से संबंधित एक श्लोक या एक पद मैंने छठे अध्याय से आपको पढ़कर सुनाया था। एक्चुअली रोमियो का 3:23 एक बहुत महत्वपूर्ण पद है, जहाँ लिखा है कि इस दुनिया में सब ने पाप किया है और हर व्यक्ति प्रभु की महिमा से दूर है, प्रभु की पवित्रता से दूर है। लेकिन जब भी हम उस पद को पढ़ते हैं, तब उसके साथ साथ दो पदों को और याद रखना जरूरी है। एक है 6:23, जहाँ लिखा हुआ है कि जब मनुष्य ने इस तरह से पाप किया है तो उसकी मजदूरी तो उसको मिलेगी, उसका फल तो मिलेगा, लेकिन प्रभु यीशु के द्वारा हमको नया जीवन, हमको मुक्ति, और मुक्ति के साथ साथ नया जीवन प्रभु प्रदान करते हैं। उसी से संबंधित एक पद जो हर व्यक्ति को याद होना चाहिए, हर व्यक्ति को याद कर लेना चाहिए, वो यूहन्ना के 3:16 में हम देखते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, जहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु ने इस संसार से इतना स्नेह किया कि उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को इस संसार के लिए दे दिया। मतलब प्रभु यीशु को इस संसार के लिए दे दिया, ताकि जो कोई, चुने हुए लोग नहीं, गिने चुने लोग नहीं, थोड़े बहुत लोग नहीं, जो कोई उस प्रभु पर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन शाश्वत जीवन पाए। तीसरे अध्याय के बाद 5वें अध्याय से हमने देखा था, एक्चुअली 5वें अध्याय को हमने सबसे पहले कवर किया था, जरा उसको याद कर लें। 5वें अध्याय से हमने देखा था कि इस दुनिया में जन्मा हुआ हर व्यक्ति अपने मन ही मन, अपने दिल में ये जानता है कि मुझ में कोई अच्छाई नहीं है, मुझ में सिर्फ बुराई वास करती है। मैंने लास्ट हफ्ते इसका एक उदाहरण दिया था। मान लीजिए कल को वो एक मशीन बना लेते हैं जिसकी सहायता से आपके दिमाग में जो कुछ हो रहा है उसको डाउनलोड कर सकें। इस मशीन को लेकर कोई आपके पास आएगा तो आपकी क्या हालत होगी? मेरी तो हालत खराब हो जाएगी, और जैसे जैसे वो पास आता जाएगा मैं वैसे वैसे दूर खिसकता जाऊंगा। बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि मैं भाग कर बच निकलूं कि भैया किसी और का दिमाग डाउनलोड कर लो, मेरा छोड़ दो। क्यों? इसलिए कि हम सब पापी हैं और हम सब जानते हैं कि प्रभु के समक्ष, प्रभु के सामने हमको क्षमा भी चाहिए और कुछ और भी चाहिए। इस पुस्तक का 5वां अध्याय हमको याद दिलाता है कि जब हम प्रभु यीशु के पास जाते हैं, तब प्रभु ना केवल हमको क्षमा प्रदान करते हैं, उससे एक स्टेप और आगे प्रदान करते हैं जो कोई मनुष्य नहीं दे सकता। मनुष्य क्षमा प्रदान कर सकता है क्या? जी हाँ, यदि आपने किसी मनुष्य के विरुद्ध अपराध किया है और यदि जाकर उस व्यक्ति से माफ़ी मांगे तो वो आपको क्षमा कर सकता है, क्षमा करते हैं। कई बार लोग गुस्से में अनावश्यक बात बोल जाते हैं, फिर उनको लगता है कि मुझसे गलती हो गई, तो जिस व्यक्ति से यह अनावश्यक बात की थी उससे जाकर कहते हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए, लोग क्षमा कर देते हैं। लेकिन यदि आप उससे कहें कि मुझे लिख कर दे दीजिए कि आपने क्षमा किया है, वो लिख कर दे देगा। लेकिन यदि आप उससे कहें मुझे लिख कर दे दीजिए कि मैंने आपसे कभी गलत बात नहीं की थी, तो लिख कर दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है, क्योंकि गलत काम आपने किया था और जो किया था आप उसको नहीं किया था, ऐसा तो कोई बोल नहीं सकता। लेकिन इस विश्व के सृष्टिकर्ता ने हमारे साथ क्या किया? जिस क्षण हमने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया, उस समय हमको ना केवल क्षमा किया बल्कि हमको लेकर
आत्मिक रूप से प्रभु यीशु के साथ जोड़ दिया, प्रभु के साथ जोड़ कर हमको प्रभु के साथ एक शरीर कर दिया। और इस कारण जब प्रभु हमको देखते हैं तब प्रभु यीशु की जो धार्मिकता है, जो पवित्रता है, वो हमको पूरी तरह से आवरण किए हुए हैं। और इस कारण इस संसार के सृष्टा जब मुझे और आपको देखते हैं तब हमको ना केवल पाप से क्षमा पाए हुए व्यक्ति के रूप में देखते हैं बल्कि हमें एक धर्मी व्यक्ति के रूप में देखते हैं। ये जब हम सुनते हैं तब एक परेशानी हो जाती है। आदमी का तरीका क्या है कि वो हमेशा उल्टा ही सोचता है। उसको चार अच्छी बातें बताओ और बताओ कि तुम माफ़ कर दिए गए हो तो आगे जाकर अच्छा जीवन बिताने के लिए या बिताने के बदले वो कुछ उल्टा ही करता है। ये मनुष्य का स्वभाव है। इसीलिए इस छठवें अध्याय के पहले पद में लिखा हुआ है, हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह मौत हो। इसका क्या मतलब है? जब किसी को बताया जाता है कि भैया मैं और तुम पापी थे, प्रभु पर विश्वास किया तो प्रभु ने मुझे और तुमको मुक्ति दी, प्रभु ने मुझे और तुमको लेकर आत्मिक रूप से अपने साथ जोड़ दिया, और इस कारण जब ईश्वर परमेश्वर मुझे और तुमको देखते हैं तो न केवल माफ़ी पाए हुए पापियों के रूप में देखते हैं बल्कि हमको तो धर्मियों के रूप में देखते हैं। जब यह बात बताई जाती है तो मनुष्य के मन में खुराफात आती है। वो कहता, अच्छा हम पापी थे और प्रभु ने हमको अपनी करुणा में क्षमा भी दी, क्षमा भी प्रदान की और हमको धर्मी भी बनाया, तो इसका मतलब है कि जम के पाप करो तो प्रभु की बहुत करुणा हो जाएगी। देखिए, मनुष्य हमेशा उल्टा सोचता है। इसलिए प्रभु का वचन हमको छठवें अध्याय के पहले पद में याद दिलाता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी, जब तुमको तुम्हें जिस बात की योग्यता नहीं है जब वो दे दी जाती है तो कई बार इस बात की संभावना है कि जिस बात की तुम्हें योग्यता नहीं है वो मिल जाए तो उसके बाद उसके प्रति आभार के साथ जीवन बिताने के बदले उल्टा ही सोचने लगो। इसलिए यहाँ लिखा है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा कई बार होता है। आपने वो कहानी सुनी है क्या कि एक बच्चा जब कहीं जा रहा था बाजार में तो माँ ने उसको 10 रुपये दिए, बेटा ये 10 रुपये हैं, इसमें से जाते समय 3 रुपये का टिकट ले लेना, आते समय 3 रुपये का टिकट ले लेना, बाकी बचेंगे 4 रुपये, 4 रुपये की टॉफ़ी खा लेना। तो बच्चा बस पे चढ़ा तो कंडक्टर ने आके पूछा, कहाँ जाना है? मेले जाना है, 3 रुपये। तो उसने अपनी सारी जेब में हाथ डाला, इस जेब में, उस जेब में, इस जेब में, थैले में। उसकी परेशानी देखकर बगल में बैठे हुए सज्जन ने कहा, पूछा, बेटे क्या बात है? तो बोला, माताजी ने 10 रुपये दिए थे, इसमें 3 रुपये आने 3 रुपये जाने का टिकट था, 4 रुपये मेरी टॉफ़ी का था और अब वो पैसे नहीं मिल रहे। दयालु सज्जन था, उसने तुरंत अपनी जेब से 3 रुपये लेकर कंडक्टर को दे दिया, बोला कि इस बच्चे को टिकट दे दो। कंडक्टर ने टिकट दे दिया, कंडक्टर चला गया। अब ये बच्चा उस आदमी के सामने जाके खड़ा हो गया। सीटें काफ़ी खाली थी, सज्जन बोले कि बेटा बैठ जा। वो बोला, नहीं नहीं नहीं, मेरे हाथ से जो 10 रुपये खो गए हैं उसमें से 3 रुपये आपने कंडक्टर को दे दीजिए, अब 7 रुपये मुझे दीजिए। तो उस आदमी ने पूछा, 7 रुपये? जी हाँ, खोए तो 10 थे और आपने 3 कंडक्टर को दिए, माँ ने मुझे 10 रुपये दिए थे, तो अब आप 7 रुपये दीजिए। उस आदमी ने सर पीट लिया कि आज किस मूर्ख से पाला पड़ा है कि उसके ऊपर दया दिखाई, अब वो हम पे धौंस जमा रहा है। ये मनुष्य का स्वभाव है। इसलिए छठवें अध्याय के पहले पद में प्रभु का वचन याद दिलाता है कि हम में से कम कुछ बिल्कुल उस बच्चे के समान है
जिसको जो उसकी योग्यता नहीं है वो प्रभु ने दे दी कि ले जा मेरे बच्चे। तो वो कहने लगे, अच्छा हमने पाप किया और प्रभु ने हमको मुक्ति दी, जम के पाप करो बेटा तो जीवन में बड़ा अनुग्रह मिलेगा। ये मनुष्य का स्वभाव है। रोमियो की पत्री 6वां अध्याय हमको ये बात याद दिलाती है कि जब प्रभु ने हमको मुक्ति दे दी, जब एक नया जीवन दे दिया, तो हम मनुष्य की मूर्खता से भरी हुई बुद्धि को हटा कर रखें। मनुष्य का वो जो सोचने का तरीका है जो एकदम गलत है, जो एकदम ईश्वर के विरुद्ध है, उस सोचने के तरीके को हम हटा कर रखें। यहां आगे लिखा हुआ है, हम जब पाप के लिए मर गए तो आगे को उसमें जीवन ना बिताएं। कोई यदि कहे कि हमने पाप किया था, प्रभु ने अपनी करुणा में हमको मुक्ति दी और उस कारण हम और पाप करें जिससे प्रभु की और करुणा हो, नहीं। प्रभु का वचन कहता है प्रभु ने एक बार हमको मुक्ति दी, आइंदा हम उस पाप की ओर नहीं जाएं। इसका एक कारण और दिया हुआ है जिसको मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। ये बपतिस्मा शब्द पिछले 1.5 साल में मैंने एक या दो बार यहाँ पर बताया, आज उसके डिटेल्स नहीं बताने जा रहा, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि इस शब्द का एक विशेष अर्थ है, बल्कि उस अर्थ में ये कई बार यूज किया गया है जिसको प्रभु ने मदद की। तो आगे वाले हफ्तों में, आने वाले हफ्तों में हम और विस्तार से देखेंगे, क्योंकि एक ऐसा विषय नहीं है जिसको थोड़ा सा बोल के छोड़ दिया जाए। लेकिन प्रभु इस बात को याद दिलाते हैं कि जिसने भी प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया गया है उसके जीवन में बहुत से बदलाव आए हैं, बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, जिसमें से एक परिवर्तन यह है कि उसको प्रभु ने प्रभु के शरीर से जोड़ दिया है, जिसको बपतिस्मा कहा जाता है। उसके अलावा भी बपतिस्मा शब्द का उपयोग अलग अर्थ में हुआ है, जब जिसने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है उसको लेकर प्रभु का कोई दास पानी में उतर कर उससे पूछता है, हे मेरे बेटे तूने प्रभु को मुक्तिदाता ग्रहण किया है क्या? वो कहता है जी हाँ मैंने किया है, क्या तू बपतिस्मा लेना चाहता है? वो कहता है जी हाँ मैं लेना चाहता हूँ। क्या तू अपनी इच्छा से लेना चाहता है? जब वो कहता है मैं अपनी इच्छा से लेना चाहता हूँ, तब प्रभु का दास उसको पानी में डुबा देता है। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं इनमें से कई लोगों ने इस बपतिस्मे का अनुभव किया है। आज से लगभग 50 साल पहले मेरे फादर ने नदी में ले जाकर मुझे इस तरह से बपतिस्मा दिया था। फादर का पहला प्रश्न था, मेरे बेटे तूने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है क्या? मेरा जवाब था जी हाँ मैंने ग्रहण किया है। यदि तूने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है तो क्या तू प्रभु की आज्ञा के पालन के लिए बपतिस्मा लेना चाहता है? मैंने जवाब दिया जी हाँ जनाब मैं लेना चाहता हूँ। तीसरा प्रश्न था, हे मेरे पुत्र क्या तू यह बपतिस्मा अपने स्वयं की इच्छा से लेना चाहता है, कहीं कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं हुई? मैंने जवाब दिया कि जनाब किसी ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है। मैंने इस बात को समझा कि जिसने भी प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है वो प्रभु के साथ एक हो चुका है, एक आत्मिक बपतिस्मा वहाँ हो चुका है। उस आत्मिक बपतिस्मे को मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए और प्रदर्शित करने के लिए मुझे इस पृथ्वी पर बपतिस्मा लेना जरूरी है। जब मैंने ये जवाब दिया तो मेरे फादर ने मुझे पानी में डुबाकर उठाया, बोला कि हे मेरे बेटे आज मैंने तुमको बपतिस्मा दिया, मैंने प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दी। इस तरह से मेरा अनुभव हो चुका है। आप में से कई लोग ये ले चुके हैं, कई लोग ये लेने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। प्रभु जब
उसके लिए सही समय तैयार करेंगे तब हम आपको देंगे, लेकिन उसके पहले इन बातों का अध्ययन करना जरूरी है। आज जिस बात का अध्ययन हम कर रहे हैं वो ये है, मनुष्य मन शरारती है, खुराफाती है, और इस कारण जब प्रभु ने उसको कुछ दिया तो उसका सोचने का तरीका यह है कि मुझे जिस बात की योग्यता नहीं है वो जब प्रभु ने दी है तो मैं फिर से मनमाना जीवन बिताऊं। प्रभु का वचन याद दिलाता है ऐसा मत करना, क्योंकि जिस क्षण तुमने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया था उस क्षण प्रभु ने तुमको ना केवल मुक्ति दी, तुमको अपने शरीर से एकजुट कर दिया, मतलब तुम्हारा आत्मिक बपतिस्मा ऑलरेडी हो चुका है, और इस कारण तुम्हारा जीवन इस संसार में लोगों के सामने इस तरह का होना चाहिए कि वे लोग इस बात को समझ सके कि तुम क्या हो, तुम क्या थे, क्या हो गए, और तुम्हारे सामने इतनी सारी परीक्षाओं के होते हुए, इतने सारे आकर्षणों के होते हुए भी तुम किस तरह से मजबूती से अपने आत्मिक जीवन पर अटल हो, अड़े, बिल्कुल अड़े हुए हो। आगे 12वां पद जिससे आज हमने चालू किया था उसको फिर से हम पढ़ेंगे। इस कारण पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे। तुम पापी थे, तुमने इस बात को पहचाना कि तुम पापी थे या पापी हो, तुमने इस बात को पहचाना कि तुम अपने स्वयं का उद्धार नहीं कर सकते, तुमने इस बात को भी पहचाना कि प्रभु यीशु ने तुम्हारे लिए अपना जीवन अर्पित किया, तुमने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया, प्रभु ने तुमको पाप की क्षमा दी, पाप से छुटकारा दिया, पाप की सजा से तुमको बचाया, इतना ही नहीं प्रभु ने तुमको अपने शरीर के साथ आत्मिक रूप से एकजुट कर दिया, तुम्हारा आत्मिक बपतिस्मा हो गया, इस कारण तुम एक नई सृष्टि हो, और तुम एक नई सृष्टि हो इस कारण पाप तुम्हारे इस नश्वर शरीर में राज्य ना करे। हमारा शरीर अभी भी नश्वर है मेरे प्रिय भाई और बहनों, उद्धार के साथ साथ हमारा शरीर नहीं बदल जाता है, पहला राउंड परिवर्तन हमारे भीतर हुआ है, हमारा जो अदृश्य व्यक्तित्व है परिवर्तन उसमें हुआ है, लेकिन हमारा ये शरीर भी बदल जाएगा। प्रभु यीशु ने ये प्रॉमिस किया था, अपने शिष्यों से ये वादा किया था कि अभी मैं जा रहा हूँ। एक्चुअली प्रभु जब सूली दी गई थी उसके 3 दिन 3 रात के बाद जब पुनर्जीवित हो गए, पुनर्जीवित होने के बाद 40 दिन प्रभु ने अपने शिष्यों को दर्शन दिया, उनको तमाम तरह की शिक्षाएं दी, और उसके बाद उनके देखते 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 प्रभु का स्वर्गारोहण हो गया। लेकिन स्वर्गारोहण से पहले प्रभु ने अपने शिष्यों को ये वाचा दी थी, मैं वापस आऊँगा। प्रभु के स्वर्गारोहण के बाद स्वर्गदूतों ने भी आकर उन लोगों से कहा, जिस तरह से तुमने प्रभु को जाते हुए देखा था उसी तरह प्रभु पुनः वापस आएंगे। पुनः वापस आएंगे तब क्या होगा उसके बारे में प्रभु के वचन में अलग अलग जगह पर हमको उसका डिटेल मिलता है, उसका विस्तार मिलता है, जिसका आने वाले दिनों में हम अध्ययन करेंगे। वहाँ हम डिटेल ये पाते हैं कि ये जो मेरा और आपका नश्वर शरीर है जो मृत्यु के अधीन है, एक दिन ये शरीर हमसे ले लिया जाएगा। कैसे ले लिया जाएगा? छीन नहीं लिया जाएगा, बल्कि हम सब स्वाभाविक रूप से मृत्यु को पाएंगे। लेकिन जिस क्षण प्रभु यीशु दोबारा आएंगे, जो प्रॉमिस किया था, जब दोबारा आएंगे उस क्षण मेरा और आपका शरीर इस पृथ्वी की मिट्टी से निकलेगा, लेकिन उस समय यह शरीर नश्वर नहीं होगा। ये बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ, प्रभु हमको सदा सर्वदा के लिए एक अनश्वर जो कभी नाश नहीं होने वाला है इस तरह का शरीर प्रदान करेंगे, लेकिन ये भविष्य की बात है, और भविष्य की बात होने के कारण आज हम जिस शरीर में हैं ये नश्वर शरीर है। प्रभु का वचन एक और बात याद दिलाता है, जब प्रभु दोबारा आएंगे तब प्रभु पर जिन्होंने विश्वास किया है, नया जीवन पाया है, ऐसे बहुत सारे लोग जीवित भी होंगे,
उनका शरीर क्षण भर में बदल जाएगा। इस तरह से दो ग्रुप होंगे वहां पर, एक जो जीवित प्रभु के बच्चे हैं उनका शरीर क्षण भर में बदल कर ये नश्वर शरीर, एक अनश्वर, ये कमजोरी से भरा शरीर, इन कमजोरियों से दूर, दर्द से दूर, दुख से दूर, बीमारी से दूर एक शरीर में बदल जाएगा। जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनमें, जिन लोगों ने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया था, वे भी पुनर्जीवित हो जाएंगे और पुनर्जीवन के समय उनको वही अनश्वर शरीर दिया जाएगा जो जीवित लोगों को उस समय दिया जाएगा। तब तक, अभी इसमें देर है, तब तक प्रभु का वचन याद दिलाता है, पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे। इसका क्या मतलब है? जब हमको अनश्वर शरीर, जो कभी नाश नहीं होने वाला है, ऐसा शरीर दिया जाएगा, उस समय हमारे अंदर पाप का स्वभाव जो भी है वो हटा दिया जाएगा। आप कहेंगे पाप का स्वभाव? जी हाँ, प्रभु ने मदद की। तो जब हम सातवें अध्याय में आएंगे तब हम पाप स्वभाव के बारे में प्रभु के वचन से विस्तार में देखेंगे। आज सिर्फ इतना याद रखें, मनुष्य जन्म से पापी है, इस बात को हम जानते हैं। प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करने पर हमको एक नया जीवन मिल जाता है, एक नई उम्मीद मिल जाती है, एक नई आइडेंटिटी मिल जाती है, लेकिन हमारे अंदर पाप का स्वभाव जो भी है वो हटाया नहीं जाता है। वो हटाया जाएगा जब हमको वो अनश्वर शरीर मिलेगा। तो पाप का स्वभाव अभी भी हमारे अंदर है। इस कारण जिसने भी प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है उसके जीवन में एक बड़ा संघर्ष होता है। संघर्ष उसका जो नया स्वभाव है उसके और पुराना स्वभाव है उसके बीच में संघर्ष। जिसने भी अपने जीवन में धूम्रपान या मद्यपान या कोई भी गलत आदत छोड़ी है वो इस संघर्ष के बारे में जानता है। कई बार धूम्रपान छोड़ने के बाद, दो तीन चार दिन के बाद बहुत ज़्यादा धूम्रपान करने की इच्छा होती है, तब अचानक एक दोस्त लाके आपके होंठों पर सिगरेट या बीड़ी लगा देता है तो अनजाने कष्ट ले लेते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। आपने वो चुटकुला तो सुना होगा जब एक आदमी बोल रहा था, अरे धूम्रपान तो मैं कभी भी छोड़ सकता हूँ, तुम बोलो तो अभी छोड़ो, कम से कम 25 बार इसके पहले मैं छोड़ चुका हूँ। वो जो संघर्ष है, पुरानी आदत और नई आदत, जिनको धूम्रपान या नशे को जो छोड़ा है वो जानते हैं उस संघर्ष को। मेरे और आपके जीवन में बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम उस नए जीवन को पा लेते हैं तो पुराना जीवन कंटिन्यूली आकर हमारे दरवाजे पे टक टक करता रहता है कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लो, थोड़ा सा प्रयोग कर लो, जरा सा, उससे कुछ नहीं बिगड़ेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। प्रभु का वचन हमको क्या याद दिलाता है? इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे। ये राज्य शब्द का उपयोग क्यों किया? आपको लगता है क्या कि प्रभु के वचन में किसी शब्द का अनायास ही उपयोग कर दिया? नहीं, इसके पीछे कारण है। जिस व्यक्ति ने प्रभु यीशु के द्वारा पाप से या पाप की मजदूरी से छुटकारा पाया है, अब उसके जीवन में प्रभु को राज्य करना चाहिए, प्रभु की इच्छा को राज्य करना चाहिए। लेकिन यदि वो थोड़ा सा ये सोच के कि किसी को पता नहीं चलेगा, मैं थोड़ा सा प्रयोग करके देखता हूँ कि पाप का टेस्ट क्या है, तो उस प्रयोग के साथ साथ आप फंस जाएंगे। और एक बार फंस गए तो पाप फिर से आपके जीवन में राज्य करेगा। आप इस बात को जानते हैं, चूहा जब चूहे दानी में भोजन देखता है तो उसको लगता है कि आहा, आज तो फ्री फंड में मिल गया। लेकिन जैसे जैसे जैसे
वो एक एक स्टेप लेकर आगे बढ़ता है, वैसे वैसे वो अपनी मृत्यु को नियंत्रण दे रहा है। एग्जैक्टली उसी तरह से पाप से, जिन्होंने पाप की सजा से मुक्ति पाई है, वे पाप के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि दोबारा उसमें फंस जाएंगे और फिर पाप आपके जीवन में राज्य करेगा। नहीं, हमारे जीवन में प्रभु को और प्रभु की धार्मिकता को राज्य करना चाहिए। क्लोजिंग से पहले मैं दो तीन बातें आपको याद दिलाना चाहता हूँ, बड़ी प्रैक्टिकल बातें हैं। आप में से कई लोगों ने इस संदेश को लंबे तौर पर सुनने के बाद अपने जीवन में प्रभु यीशु के द्वारा नया जीवन या नव जीवन पाने की जरूरत को समझकर प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है। लेकिन अब आपके सामने एक बड़ी विकट समस्या खड़ी होने वाली है, और वो ये है कि प्रतिदिन पाप आपको आकर्षित करेगा। मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, जरा सा ये प्रैक्टिकल बात हम में से हर एक को समझ कर, आप जहाँ भी नौकरी कर रहे हैं, जहाँ भी आप रहते हैं, वहाँ अपने आप को प्रतिदिन जांचें कि कहीं जाने या अनजाने मनसा वाचा कर्मणा मैं पाप में तो नहीं फंस रहा। प्रभु का वचन याद दिलाता है, पाप तुम्हारे इस नश्वर शरीर में राज्य ना करे। तुमने उसको छोड़ दिया है, उसने तुमको नहीं छोड़ा है, वो तुम्हारे पीछे है, उससे भागकर दूर रहो मेरे बच्चे। इन बातों को अच्छी तरह से समझने के लिए और अपने जीवन में प्रतिदिन प्रति क्षण अनुशासन के साथ जीवन बिताने के लिए प्रभु हम सबकी मदद करें। आने वाले दिनों में इससे संबंधित बहुत सारी बातें हमको देखनी हैं। प्रभु ने मदद की तो हम एक एक करके वो सारी बातें देखेंगे। मेरा फिर से आप सब से अनुरोध है कि संडे शाम को जो सत्संग है उसमें नियमित रूप से आएं, अपने दोस्तों को भी लाएं, क्योंकि आपने जो नया जीवन पाया है, ये नया जीवन दूसरों के साथ शेयर करना, दूसरों को बांटना, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। प्रभु आप सबकी मदद करे। जय मसीह की।